सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनी हुई ये मूवी, जिसने कमाई तो सिर्फ 45 करोड़ ही की थी, बट फिर भी ये वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल अमेजिंगली रिटन मूवी ऑफ ऑल टाइम में से एक होगा बॉलीवुड का। इसका जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, लोगों को पता नहीं होगा कि रेजमोन इफेक्ट होता क्या है, मतलब जिस वे में इसको विशाल भारद्वाज ने लिखा था क्या इफेक्ट होता है वो लोगों को पता नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं तलवार मूवी की, जिसकी चर्चा पता नहीं क्यों लोग नहीं करते हैं और क्यों इस मूवी के बारे में बात नहीं होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस रिटेन वाइज, एक्टिंग वाइज और डायरेक्शन वाइज है इंडियन सिनेमा की। किसी मूवी में एक दिग्गज होते हैं तो हम बोलते हैं कि क्या लाजवाब चीज़ है, किसी में दो दिग्गज होते हैं तो हम मानते हैं कि क्या लाजवाब चीज़ है। ये मूवी दिग्गजों से भरी हुई है। इसमें इरफान खान नज़र आते हैं हमको, नीरज का भी नज़र आते हैं हमको, कोंकणा सेन शर्मा नज़र आती है हमको, गजराज राव नज़र आते हैं हमको, और मतलब सभी ने मतलब एक परफेक्ट जो काम किया है ना तुमको एक्टिंग में, वो बात में, वो लहजे में, वो तौर तरीके में नज़र आता है। इरफान खान ऑब्वियसली एस करते हैं चीज़ों को, मतलब तुम जब तक इरफान खान को देखे, और नीरज का भी गजराज राव इज़ एन अमेजिंग एक्टर, बट इरफान खान जब स्क्रीन पे होते हैं उस पूरे मूवी में यू वोंट सी एनीवन, लाइक ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो गया है, सिर्फ इरफान खान उसमें एक्टिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और उसमें नज़र ही नहीं आता है। 2008 डबल मर्डर केस पे बेस्ड ये मूवी, जो कि आरुषि तलवार केस था उस पे बेस्ड ये मूवी 2015 में आई थी, और इसका जो कहानी लिखा था वो विशाल भारद्वाज ने लिखा था। विशाल भारद्वाज ने इसको को प्रोड्यूस भी किया था, मतलब विनीत जैन के साथ, और विशाल भारद्वाज को इसके लिए मतलब नेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला था बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए। और यही नहीं, जो ए श्रीकर प्रसाद हैं उनको बेस्ट एडिटर के लिए इसके लिए 61st फिल्म फेयर अवार्ड में भी अवार्ड मिला था। ये सारी चीज़ें हैं, बट इससे भी बेहतरीन चीज़ क्या है कि एक होता है रेजमोन इफेक्ट। रेजमोन इफेक्ट क्या होता है कि उसमें ना 4-5 लोग होते हैं और वो हर इंसान का एक अपना अपना एक प्लस पर्सपेक्टिव होता है कि वो किस तरीके से इस केस को देखता है। जैसे कि इसके माँ बाप की कहानी क्या थी, पुलिस वालों ने क्या देखा, या फिर जो उसमें जो नौकर थे उसके दो, उन्होंने क्या देखा, और ये सारे इफेक्ट्स चल करके एक साथ एक कहानी पे आते हैं। अब ये चीज़ में होता क्या है कि कहानी वाले ने कहानी कह दी, तुमको अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखा दी, अलग अलग तरीके से तुमको बता दिया कि ये हुआ था भाई। अब एज एन ऑडियंस ये तुम्हारा काम है कि तुम किस तरफ लीन करते हो। बट एक चीज़, एक जो माइन्यूट उसमें थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि मेघना गुलजार जब ये डायरेक्ट कर रही थी तो उन्होंने इसको लीनियंट टुवर्ड पेरेंट्स किया, मतलब उन्होंने नौकरों को गिल्टी बताया और पेरेंट्स को लीन की तरफ लीन किया उसमें। बट अभी तक इसका टू बी ऑनेस्ट कंक्लूजन नहीं निकला है उस पूरे केस का, वो अभी भी केस ऐसा चल रहा है, बट उसके पेरेंट्स अरेस्टेड है, केस के बारे में बाद में बात करेंगे। बट इसकी बात करें तो ये मूवी रेजमोन इफेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है, और हर चीज़ जो वो हर पर्सपेक्टिव है उसको बार बार तुम्हारे सामने लेके आएगी, जिससे तुम एज एन ऑडियंस जज कर पाओ कि भाई एक्चुअली में गुनहगार इस मूवी का, इस पूरे कांड का जो हुआ है वो एक्चुअली में गुनहगार कौन है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, और वो बताती हैं कि उनको बहुत ही ऑब्जेक्टिफाई किया गया इन सब चीज़ों के लिए, कि मतलब वो एक पर्टिकुलर साइड के लिए बायस हो रही हैं और उन्होंने एक एक पर्टिकुलर साइड लिया हुआ है, जबकि उनका डायरेक्टर होने के नाते एक अपना पर्सनल ये होना चाहिए था कि इतने बड़े केस में उनको प्रॉपर लाइक बैलेंस बना के रखना चाहिए था। बट अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूँ तो हाँ, वो साइड लेती है, बट जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस करेगी या मूवी तुम देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसका पर्सपेक्टिव नहीं दिखाया गया है दूसरे साइड का, और चीज़ें मतलब तुम्हारे सामने खुलती चली जाएंगी एक एक करके। बट बाकी जो चीज़ें हैं, जो कहानी किस वे में फ्लो करती है, जो कैरेक्टर्स का जो एक कैरेक्टराइजेशन है कि उनका जो वे है अपना एक प्रॉपर अपना जो वे है वो कैसा है, वो दिखाना एज एन डायरेक्टर वो जो भी चीज़ प्रेजेंट करना चाहती थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तुमको मज़ा आएगा मूवी देखने में, मूवी तुम्हारे अंदर एक इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी, और उस इम्पैक्ट का कारण डायरेक्शन बहुत बड़ी रोल नहीं है, उसका कारण है इस मूवी की एक्टिंग।
अब एक्टिंग के बारे में क्या बोलूँ, मतलब इससे बेहतरीन चीज़ें मैंने देखी नहीं है। नीरज का भी एज अ फादर भाई गदर, मतलब गदर रोल प्ले करते हैं। जो उनका टूटने का तरीका है, जहाँ पे उनको, एंड ये नहीं है, अब चार कहानियाँ चल रही हैं। इरफान खान का मैं समझ सकता हूँ कि इरफान खान को एक पूरा फ्लो में काम करना था, गजराज राव को एक फ्लो में काम करना था, बट ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी काम की है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा। बट जो नीरज काबी का काम है, उनको हर एक स्टोरी लाइन में, जो चार तरीके की स्टोरी चलती हैं, उन चारों तरीक़ों में अलग अलग वे में अप्रोच करना होता है चीज़ों को, और यू परफेक्टली किया है कोंकणा सिंह सरवार नीरज काबी ने, मतलब पूछो मत। पर उनका परफॉर्मेंस फीका लगता है इस आदमी के कारण। भाई ये कुछ अलग ही आदमी था यार, मतलब तुम पूरा मूवी देख जाओगे, पूरी मूवी तुमको इम्प्रेस करेगी, मज़ा देगी। बट वो जो एक छाप छोड़ना रहता है ना कि तुम्हारे साथ वो कैरेक्टर चला जाएगा, तुम्हारे अंदर घुस जाएगा वो, और एक छाप छोड़ के चला जाएगा, वो है इरफान खान का कैरेक्टर। मतलब इतना ब्रिलियंटली उसने प्ले किया है चीज़ों को कि मज़ा आ जाता है, मतलब भयंकर वे में। कोई और बंदा नज़र ही नहीं आएगा तुमको उसके सामने, मतलब इतने तगड़े एक्टर्स के सामने इरफान खान एक अलग छाप छोड़ जाता है। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टराइजेशन, बहुत ही बढ़िया वे ऑफ स्पीकिंग। भाई जिस तरीके से, जिस लहजे से वो बंदा बोला है ना, वो भी बहुत तगड़ी है। इस मूवी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, एंड आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एनीथिंग। ये मूवी बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में जा चुका है, जैसे टोरंटो फेस्टिवल में जा चुका है, उसके बाद से लंदन इंटरनेशनल फेस्टिवल, बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल में जा करके अवार्ड्स जीत चुका है ये। मतलब इस मूवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुमको पहली बार, लाइक 2015 में एक्चुअली पहली बार इंडियन सिनेमा में ऐसे दिखाया जा रहा होगा, या बहुत सारे ऐसे एक्टिंग स्किल्स हैं जो कि तुम एज एन ऑडियंस तुम समझ ही नहीं पाओगे, इसीलिए शायद ये उतना बड़ा हिट नहीं हुई थी। बट अगर आज एक मूवी की लिस्ट निकाला जाए जिसमें क्लासिक मूवीज़ की बात की जाए, उन मूवी मास्टर पीसेस की बात की जाए जो तुम पे एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ के चली जाएंगी, तुम एज एन ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या सच है और क्या झूठ। ये तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे सैनिटी को टेस्ट करती है ये मूवी। अच्छा लगेगा तुमको, मज़ा आएगा, तुम कुछ सीख के जाओगे उस मूवी से, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर बदल देगा ये मूवी। ये इतनी बेहतरीन मूवी है, तुम फील कर पाओगे कि हाँ यार, तुमने जो अपने टाइम स्पेंड किया है इस मूवी पे, वो वर्थ इट था। बहुत ही तगड़ा मूवी है, मतलब तुमको मज़ा आ जाएगा देख करके, विदाउट एनी डाउट हाईली रिकमेंडेड, और जा करके ज़रूर देखना। टॉप अंडररेटेड के वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, बाकी और वीडियोस देखने हैं तो तुमको आई बटन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम 3000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालता रहता हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।